हेलो बच्चों, आइए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 एनसीईआरटी बनाने के पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स कैसे किया जाता है ये सीखें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स सीखने के पहले इसके साइन मल्टीप्लिकेशन को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि यदि दो दोस्त आपस में अगल बगल आते हैं तो उसमें जो साइन रहेगा वो प्लस एंड प्लस आपस में मिलके दो दोस्त आपस में दोस्ती करेंगे तो प्लस साइन आएगा। उसके बाद यदि हमारे पास दो दुश्मन आपके पास हैं तो दोनों दुश्मन भी आपस में दोस्त बन जाएंगे। माइनस मल्टीप्लाई माइनस भी हमारे पास, अगर साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और यदि एक दोस्त और एक दुश्मन है तो कभी आपस में दोस्ती तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे जो होगा प्लस प्लस एंड माइनस जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या होंगे, माइनस होंगे। यदि हम इसको एक्सचेंज करके ऐसे लिख दें तब भी हमारे पास दो एक दुश्मन और एक दोस्त कभी दोस्ती नहीं कर सकते, तो उनके भी साइन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस, मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो इन 4 रूल्स को हम बहुत अच्छे से याद करते हुए, दिमाग में रखते हुए हम अपने मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। प्लस मल्टीप्लाई प्लस जब भी होगा प्लस होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। माइनस एंड प्लस ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। ये रूल हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में अप्लाई करते हैं। यदि हमारे पास किसी ने क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यदि हमें किसी ने बोला माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 करिए, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 करने के लिए सबसे पहले हम साइन के मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। इसमें माइनस इस फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन है, सेकंड ब्रैकेट में भी माइनस साइन है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, आपका प्लस होगा। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर प्लस होगा तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लिकेशन करते हुए प्लस कर दीजिए, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इट प्लस। फिर उसके बाद जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम सिंपल करते हैं उसको करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 विल बी इक्वल टू 2। सेकेंड और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2 करने के लिए बोलेगा तो सबसे फर्स्ट जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। साइन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या साइन है आपके पास, प्लस, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या साइन है, माइनस। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस विल बी इक्वल टू माइनस, एंड देन नंबर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3, 2। नेक्स्ट हम लेते हैं प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये सिंपल है। यदि हमारे पास किसी ब्रैकेट में साइन नहीं है आपके पास तो उसे आप प्लस समझ लीजिए, प्लस मल्टीप्लाई प्लस। यहाँ पे सबसे फर्स्ट रूल अपन ने देखा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस। फिर सेकेंड आप नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 2 विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस ऑफ 3 करना है हमें, तो सबसे फर्स्ट माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस, एंड देन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 6। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम आगे लेते हैं, 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे फर्स्ट यदि फर्स्ट 2 नंबर्स का, जितने भी नंबर्स हमारे गिवन है उसके फ्रंट का साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे प्लस साइन नहीं है तो प्लस साइन है लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस मल्टीप्लाई वैसे प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए फिर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख दीजिए, 3 2 6 एंड 6 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माइनस ऑफ 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4। इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट माइनस साइन माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन से करिए, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे प्लस है उसको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ आपको साइन नहीं दिख रहा है उसमें नहीं मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने का ज़रूरत है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अब 25 थ्री ज़ार 75, 75 मल्टीप्लाई 4 करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्डर को, नंबर के ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप 25 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, बिकॉज वी नो दैट 25 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 100, एंड देन 100 मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 300। मीन्स ऑर्डर जो है मल्टीप्लिकेशन के समय ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यदि और हम देखें, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 125 आपको करना है,
तीन दो संख्याओं के फ्रंट में आपका क्या साइन है? प्लस का साइन है। तो सिंपल, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस सबसे फर्स्ट अपन माइनस साइड का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 8 आपका क्या होता है 1000। तो यहाँ भी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पहले आप 8 को 53 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद जो आंसर आपका आ रहा है 125 उससे मल्टीप्लाई करें। पहले 125 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 1000, 1000 को हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53, और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 53000। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारे क्या करना है, साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है, देन आफ्टर उसमें जो गिवन नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, यदि हमें करने बोल रहा है 25 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाने, एक नंबर यहाँ पे क्या है 0। एज वी नो दैट 0 के साथ किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लिकेशन करें ए, हमारा आंसर क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। सो यहाँ पे भी हम चाहे हमारा 25 टू ज 50, 50 मल्टीप्लाई 0 आंसर क्या होगा, ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी कभी आप देखें हमें तीन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है या दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे यहाँ पे 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, हमारा आंसर क्या आएगा, 0। बिकॉज 0 के साथ हम किसी भी संख्या का नंबर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एनी संख्या नंबर्स का यदि हम मल्टीप्लिकेशन विद 0 करना चाहें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, साइन का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये हमें दिमाग में याद रखना है, और उसके बाद कभी भी हमें कोई नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट साइन मल्टीप्लिकेशन करना है, देन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बेस पर आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।